बोकारो में संथाली भाषा को प्रथम राजभाषा का दर्जा देने की मांग को लेकर आदिवासी सिंगल अभियान के बैनर तले नया मोड़ स्थित बिरसा चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन कर रहे नेता प्रदेश अध्यक्ष देव नारायण ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस भाषा को लेकर एनओसी दिया है, इसके बावजूद भी हेमंत सरकार इस भाषा को प्रथम राजभाषा का दर्जा नहीं दे रही है, इसलिए संथाली भाषा को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। वहीं देव नारायण मुर्मू ने कहा कि अभी तक हेमंत की सरकार आदिवासियों के विरोध में ही काम कर रही है, जिसका हम लोग विरोध करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि संथाली को राजभाषा का दर्जा अगर नहीं दिया जाता है तो हम लोग और वृहद आंदोलन करेंगे। सोरेन होश में आओ, सन धर्म को देना। आज हम लोग 17 जुलाई 2023 को झारखंड के सभी जिला मुख्यालयों में आदिवासी सिंगल अभियान और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद सलखन मुर्मू के आह्वान पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर रहे हैं। चूँकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संथाली भाषा को अभी तक झारखंड का प्रथम राजभाषा का दर्जा नहीं दिया है, जबकि इसके लिए केंद्र सरकार ने एनओसी दिया है। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू भी अपना सहमति दे चुकी है, इसके बावजूद संथाली को अभी तक झारखंड का प्रथम राजभाषा नहीं बनाया गया है। कम्प्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर ब्राइट फ्यूचर IIT JEE NEET की तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, क्लास 8 से 12 तक की तैयारी, NTSC, Olympiads, KVPY एंड बोर्ड एग्जाम्स। टेंशन नहीं लो, CSI आओ। कम्प्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट नियर DPS स्कूल बिहाइंड एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन के कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपने स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे Amazon, Accenture, JPMorgan, JPT, TCS, Wipro, ITC, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को JPT कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को Amazon से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।